नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे आपकी एक गलती आपको कंगाल कर सकती है, बचने के लिए आप करें ये उपाय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपने जीवन में गरीबी कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि जिसके पास जीवन के आखिरी दिन तक के लिए संपूर्ण संपत्ति है उसके मन में भी पैसा और कमाने की चाह बनी रहती है। गरीब ना होने की चाह के बावजूद कुछ लोगों को जीवन में आर्थिक तंगी के दिन देखने पड़ते हैं। कई बार सब कुछ ठीक चलते हुए एकदम से व्यक्ति के ऊपर बुरे वक्त की मार पड़ती है और उसके पास मौजूद सारी धन दौलत उसकी आंखों के सामने उड़ जाती है। ऐसा भला क्यों? दोस्तों वास्तु की माने तो ऐसा केवल आपके घर या ऑफिस में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। वास्तु की विद्या जानने वालों के अनुसार जिस जगह पर नकारात्मक शक्तियों का वास अधिक होगा वहां धन दौलत समृद्धि कभी टिक नहीं पाएगी। तो आइए जानते हैं कि वास्तु दोष क्या होता है। नेगेटिव एनर्जी को शास्त्रों की भाषा में वास्तु दोष कहा जाता है। जिस स्थान पर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं वहां सदैव दरिद्रता का वास होता है, जिस वजह से उस घर और वहां रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में हमेशा दुख क्लेश बने रहते हैं। आइए जानते हैं आपके द्वारा की गई किन किन गलतियों के द्वारा घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा का गंदा होना। वास्तु के अनुसार घर की इस दिशा को धन और कुबेर का स्थान माना गया है। मान्यता के अनुसार घर की इस दिशा में गंदगी होने से या फिर अत्यधिक भारी सामान यहाँ पड़ा रहने से घर के वास्तु दोष बिगड़ते हैं, जिसका खास असर धन के आगमन पर पड़ता है। घर में आया हुआ धन व्यर्थ खर्चों में चला जाता है, ऐसे में जरूरी है घर की साफ सफाई हर रोज करें। उत्तर पश्चिम दिशा में अंधेरा। पैसे और धन दौलत के लिए घर की यह दिशा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यदि सायकाल के वक्त इस कोने में अंधेरा रहेगा तो वास्तु के अनुसार आपको धन हानि का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस दिशा में अंधेरा होने से पारिवारिक सदस्यों के बीच हर वक्त मतभेद रहेंगे। सूर्य अस्त होने के बाद घर के उत्तर पश्चिम कोने में अंधेरा कदापि ना होने दें। दक्षिण दिशा में तिजोरी। घर की दक्षिण दिशा में तिजोरी या अलमारी का होना भी नुकसानदायक है। अगर किसी कारणवश आप इस दिशा से तिजोरी को नहीं हटा सकते तो तिजोरी के हैंडल पर लाल रिबन में 3 सिक्के, जिसे फेंग शुई सिक्के के नाम से भी जानते हैं, उसे बांध दें। इससे अड़चने आनी खत्म हो जाएगी। उत्तर पूर्व में रसोई। उत्तर पूर्व कोने में बना घर का रसोई घर आर्थिक मंदी की वजह बनता है। अगर आपके घर का रसोई घर घर के पश्चिम या दक्षिण पूर्व कोने में बनवाते हैं तो यह आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में बना बेडरूम। अगर घर का मुखिया, खासतौर पर कमाई करने वाले मुख्य इंसान घर के दक्षिण पूर्व कोने में सोता है तो घर में इससे भी आर्थिक परेशानियां आती है। खासतौर पर पैसों को लेकर घर वालों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई रहती है। घर की इस दिशा को छोड़कर आप कहीं पर भी सो सकते हैं, उससे आपको किसी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आपकी एक गलती आपको कंगाल बना सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।